कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज और इंटरकोर्स के कारण गर्ल्स का हाइमेन रप्चर हो जाता है और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो दावा करते हैं कि हाइमेन को रिक्रिएट किया जा सकता है। तो क्या हाइमेन रिक्रिएट हो सकता है? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करके उनका यूज करना क्या सेफ है? आइए जानते हैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमारी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर ध्रुपति डेडिया से। लेट्स वेलकम हर। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाइमेन इज अ वेरी स्मॉल टिश्यू ओवर विच देर इज सच अ बिग इशू। वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो वजाइना के 1 सेंटीमीटर के अंदर होती है। इसको हिंदी में पर्दा बोला जाता है। उसमें एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके अंदर से मेंस्ट्रुअल ब्लड या तो जो पीरियड में ब्लीडिंग होती है वहाँ से बाहर आती है। जैसे हर एक लड़की का नाक या कान का शेप अलग रहता है, वैसे हर एक म्यूकस टिश्यू जो जिसको हम हाइमेन बोलते हैं उसकी थिकनेस और इलास्टिसिटी लोगों में अलग रहती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत पतला या हाइमेन बहुत पतला रहता है और इनइलास्टिक रहता है तो जब भी ये बच्ची ज़्यादा साइकिलिंग करती है या स्विमिंग ज़्यादा करती है या बहुत ज़्यादा खेलती है तभी ये रप्चर हो सकता है। कई बच्चों का हाइमेन बहुत ही थिक और इलास्टिक होता है। इन बच्चों में जब भी वो शादी करती हैं और इंटरकोर्स रखती हैं तभी वो कई इंटरकोर्स के बावजूद हाइमेन इंटैक्ट रहता है। इसीलिए जब भी हमारे पास लोग आते हैं कि ये वर्जिनिटी प्रूव करने का टेस्ट है कि अगर हाइमेन इंटैक्ट है तो वो लड़की वर्जिन है, हाइमेन अगर टूट गया है तो वो लड़की ने यौन संबंध रखे हुए हैं। ये एक बहुत क्लियर टेस्ट नहीं गिना जाता, इसमें प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल गारंटी के वर्जिनिटी है या नहीं। फिर जब भी हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स और एडवर्टाइजमेंट्स में कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ अवेलेबल है जिससे हाइमेन को रिक्रिएट करते हैं, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है बिकॉज एक म्यूकस मेम्ब्रेन को कौन सी चीज़ बना सकती है। दूसरी बात कि अगर ऐसी पदार्थ मिले भी तो वो कहाँ रखा जाता है, उसकी इफ़ेक्टिविटी कितनी है, उससे एलर्जी होती है, उससे जलन होती है। वजाइना है जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और जो एंट्रेंस होता है वजाइना का वहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत स्ट्रांग होने की वजह से छोटी सी भी इरिटेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। हाँ, हाइमेन को रिक्रिएट किया जा सकता है लेकिन ओनली थ्रू सर्जरी। सर्जरी से वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन को सेपरेट करके एक नया हाइमेन बनाया जाता है। मार्केट में जो पदार्थ या केमिकल्स मिल रहे हैं वो मेडिकली प्रूवन नहीं है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो वजाइना के म्यूकस सर्फेस को बना सके। वजाइनल एरिया जो हाइमेन की एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ लगा के देखना हानिकारक हो सकता है, बहुत सारा नुकसान दे सकता है। तो जो चीज़ मेडिकली प्रूवन हो या एडवाइस्ड हो वो ही हम इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सलाह के साथ में आगे बढ़ें। ये जगह बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ पे इचिंग हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, बर्न्स हो सकते हैं। इन सब से हमको बचना चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर बोलें, जो हाइमेन को क्रिएट करने के तरीके हैं उनकी एडवाइस से आगे बढ़ें तो हम सेफ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।